ये सर्कल कट करने को कम से कम 5 मिनट लगा रहे हैं भाई। ड्राइव कर रहे हो क्या या क्या कर रहे हो पता नहीं, या हमारे लेटर निंजा के जैसे आप कर यहाँ पे नील कर रहे हो शायद। भाई नील करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, सो थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ भैया, मुझे निकलना है, मेरा ट्रेन जा रहा है, छूट जाएगा। यस यस यस, अपडेट अपडेट। सो मैं अभी निकल रहा हूँ एक लोकेशन पर, तो आखिरी में बताएंगे, तब तक कि जुड़े रहे हैं, शॉर्ट्स मज़े करें। 360 है इसमें, या श्योर 360 में देखने मिलेगा। 2:45 का ट्रेन है, 2:30 बजे रहना ज़रूरी, आप बज रहे हैं 2:03। सो मारो राइट हैंड से जल्दी, ओके तो निकलते हैं, रास्ता गाइड करते हैं, फास्ट फास्ट शॉर्टकट। शताब्दी किधर है भैया, ऊपर दिख रहे हैं। हाँ ये है पुणे वाला कोच, ये है। हाँ चलो मिल गया मिल गया, सीतरी सीतरी, हमें सीतरी धुन है। ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं सीतरी, यस। हाँ इतनी खुशी, फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन शताब्दी स्लाइडर। ओके आई एम थोड़ा सा या सो रीच सेफ्टी ऑन टाइम आया, कि थैंक्स फॉर ओला बाइक जो कि ऑन टाइम मुझे लाकर ड्रॉप किया स्टेशन पे। मुझे कंपलसरी भरोसा नहीं था कि मैं ये ट्रेन पकड़ूंगा, सो 2:45 का ट्रेन है, 2:30 ओके कुछ नज़ारे 360 में देख लेना यार, आगे हर स्टॉप पे एक एक शॉट मिलेगा। ओके तो स्टे ट्यून, पता चलेगा लास्ट में, रात में पता चलेगा आपको कि क्या था, बीच में सब ये शॉट्स एंजॉय कर लेना। स्नैक्स में आया है ये सोन केक है, उसके बाद भुजिया सेव, नमकीन मसल मटारा, ये अल पाहर जूस और टिकट चाय। चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह, खाना आना बाकी है, दिस इज़ अ स्नैक्स ओनली। कचौरी, मिनी कचौरी छोटा सा, इतने में इतने मिलेगा। तो अपडेट ये है कि विकाराबाद जंक्शन आ चुके हैं, सो विकाराबाद जंक्शन के बाद कौन सा है मुझे पता नहीं, शायद तांडूर होगा। विकाराबाद चल रहा है स्नैक्स और यहाँ पे काम चल रहा है। अगर आप शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हो शताब्दी में, तो देखो ये ऐसा सब आएगा मेन्यू फॉर 2 AC 3 AC CC एंड AC। देखो ये सब आएगा मॉर्निंग में, ये ब्रेकफास्ट में और ऑमलेट ये, उसके बाद में इवनिंग टी में समोसा कचौरी मसाला वड़ा नमकीन ये जो भी है पढ़ लो यार, उसके बाद में लंच और डिनर ये सब रहेगा, ठीक है। क्योंकि राइड में हम सिर्फ बताते थे, आप थोड़ा बहुत नॉलेज की भी बात करेंगे, ठीक है। ये सब रहेगा, अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो देख लेना वीडियो मेरा।
खुद से चाय बनाओ और पियो का सिस्टम है। देखो अभी मिल्क पाउडर डाला है, नोवा का मिल्क पाउडर, डेरी क्रीमर क्या ही, हाँ मिल्क पाउडर ही है। उसके बाद में अब ये थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और ये टी बैग इसके अंदर डुबेंगे। तांदूर आए हम, चलो ज़्यादा ट्रेन रुकता नहीं है, निकल जाता है। चलो चलो ये अपना है सीट्री, चलो बस। स्टेशन अपडेट्स, दिस स्टेशन इज कलबुर्गी मीन्स गुलबर्गा। गुलबर्गा आ चुके हैं, मतलब 2:40 को निकले थे, नाउ वी आर रीच गुलबर्गा एट 6:15। टाइमिंग अच्छा कवर हुआ है। अब इसके बाद में पुणा, नहीं मतलब 2-4 स्टेशन है, 2-3 इसके बाद में पुणा। ओके सो स्टेशन अपडेट्स, वी आर एट सोलापुर स्टेशन। सोलापुर स्टेशन पहुँच चुकी है, ट्रेन बहुत मज़े से जा रही है, मतलब ऐसी आगे भी अच्छी मज़ेदार रहेगी। ट्रेन में फोन आया, चलो ऑलराइट। सो ट्रेन इज़ ऑन टाइम, सोलापुर जंक्शन क्रॉस किया है और अच्छी खासी नींद हो चुकी है मेरी। ट्रिप अच्छे से रहा, आगे भी सोचता हूँ कि अच्छे से रहे, सब अच्छे से हो जाए। मेरा जो काम के लिए मैं जा रहा हूँ, काम अच्छे से हो जाना चाहिए। सो अल्लाह से दुआ है और आप सबकी भी दुआ है। चलो देखते हैं सफ़र कैसा चलता है पूना पहुँचने के बाद। अभी सोलापुर जंक्शन के बाद सीधा पूना जाएगा या सिर्फ एक स्टॉप है, अभी ऑन टाइम है समझो ट्रेन। ये आज भीड़ बढ़ रही है पूना जाते। बज रहे हैं 8:15 और खाना आ चुका है। इसमें है दही रोटी और ये है चिकन, नहीं सॉरी ये है चिकन ड्राई राइस और दाल, सारा आइटम आ चुका है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं ऐसे ही चक्कर लगा रहा था, देखा तो यार पूरा डब्बा खाली पड़ा है, पूरा ट्रेन पूरे सीट्स खाली, ये वाला खाली है। उसके बाद में कितना डिस्टर्बेंस, इधर आता हूँ तो ये वाला खाली पड़ा है। मतलब यार हमको से मतलब एक वो एक डब्बे में शायद मेरे हिसाब से अराउंड एक कोच में यार 15-20 लोग या 25 लोग होंगे, बस इतना ही। डेली खाली मतलब यार गवर्नमेंट एक मतलब सब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट लॉस में चल रही है। मैंने ही टिकट बुक किया है इसमें, तुम लोगों का फायदा किया, पूरा डब्बा खाली है। एक 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 बोगी में या 15-20 लोग बहुत हो गए, पूरा खाली, लेट के जा सकते हो। सो फाइनली वी आर एट पुणे रेलवे स्टेशन। सो मेरा एक खास दोस्त है दत्ता, जो पुणे में मेरे साथ काम करता था ट्रैवल्स में, तो वो आया है पिकअप करने के लिए, तो उसके पास जा रहा हूँ, रोड क्रॉस करते हैं। सो वेल तो बज रहे हैं 1:16 और मैं ओला बुक कर रहा हूँ, उबर बुक कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो मेरा दोस्त को मैंने भेज दिया है क्योंकि ही वाज अ फैमिली मैन, तो इतनी रात तक रोकना अच्छी बात नहीं है। सो अब मैं इधर से स्टेशन के लिए निकलूँगा, नहीं तो फिर मेरे एक रिलेटिव से उधर जाके, तो उधर थोड़ी बहुत बात करके सुबह में 5 की ट्रेन पकड़ना है हमें। सो देखते हैं क्या होता है, ओला उबर बुक होती है या नहीं, या फिर दूसरा कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा राइट, और या तो फिर हमारे खास खैर पुणे में उनको बुलाना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं पहले तकलीफ किसको क्यों, वो भी रात में 1:30। चलो मिलते हैं सुबह में, नहीं तो फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे इधर ही, देखते हैं वीडियो ख़त्म करना नहीं है, देखते चलो। अरे हाँ ज़रूरी बात बोलना भूल गया, मैं वीडियो फुटेज नहीं लिया क्योंकि वो मेरा दोस्त
तो थोड़ा कैमरा के सामने आना नहीं जमता, तो इसलिए काम हो चुका है। जो चीज़ के लिए आए थे वो यहाँ पर है, तो बने रहे हैं, जुड़े रहे हैं, पता चलेगा आपको क्या है। और है, और दिन बाकी है, कल तक वीडियो कंटिन्यू करेंगे। कल 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, अभी रात में बज रहे 1 बजे, तो सुबह में दोपहर के 2 बजे तक मैं हैदराबाद रिटर्न पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जो ट्रेन से आता वही ट्रेन से रिटर्न जाना है। यस, दोस्ती जो हो गई एक बंदे से, तो उसने बोला वही ट्रेन में टिकट बुक किया है, उसमें ही रिटर्न जाना है। चलो मज़ा आएगा, फिर दिन का मज़ा उठा लो। विस्टा डोम कोच, यहाँ पर पूरा ऊपर आसमान पूरा देखने मिलेगा आपको, हर जगह पे सब में बढ़िया चीज़ है यार, ये रेयर व्यू, ये तो मतलब अलग ही यार। इनो सिटी इधर से आप पूरा ट्रेन जा रही है, तो अभी इंजन निकल जाएगा यहाँ से, बहुत सीनरी में देखते हैं अगर होता है तो यहाँ पर आएगी, इंजन इधर ही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डाउंट। डाउंट जंक्शन अभी क्रॉस किया है और बज रहे हैं सुबह के 7, थोड़ी बहुत नींद हुई है, नींद बाकी अब सोना है, सीट अच्छी नहीं मिली है। आ चुका है ब्रेड ऑमलेट, सुबह सुबह जूस कौन देता है यार भाई, दूसरा कुछ तो देने का, कॉफ़ी चाय, चलो खा लेंगे। ट्रेन का मुख्य बड़ा स्रोत है अभी, क्योंकि आप लोगों को बहुत जरूरी चीज सिखाना है, ये चीज सिखाना जरूरी है। ये नहीं देखा तो क्या देखा। चलो छेड़ना नहीं यहाँ पर, आइसक्रीम देने का जगह यही है, कोई इधर आया आइसक्रीम मिलेगा। सक्सेसफुली आ चुका हूँ मैं अभी, सो कितना होगा एग्जैक्ट, 2 बजे निकले थे तो अभी ऑन टाइम आई थिंक 2 बजे 2:30 बजे हो गया, ऑन टाइम आया है। यही ट्रेन रिटर्न निकलेगा, तो कल हम ये ट्रेन में गए थे वापस ये ट्रेन में, सो अभी घर पे जाके अनबॉक्स करेंगे, ये खाली है माल इसके अंदर, ठीक है, बने रहे, जुड़े रहे, घर पे जाके थोड़ा सस्पेंस खेलेंगे अपन, राइट। चलो अभी वापस मेट्रो जाते हो, ओला आते हो मेट्रो, या स्टेडियम, घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे, वीडियो एंड उधर करेंगे, नॉट इधर, या
हेलो, सो वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक। सो इतनी जो मेहनत लगी थी वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, जो कि मेरा ड्रीम वाला ड्रोन था। मतलब मेरा एक ड्रोन है जो कि बहुत पहले से ड्रीम था, बट मैं ले नहीं पा रहा था, बट था मेरे पास, बीच में आ रहा था जा रहा था, मतलब पता है ना, अभी लेता था यूज़ में नहीं आ रहा था, तो फिर अभी थोड़ा यूज़ करेंगे उसको अच्छी तरह से। दैट वॉज माई ड्रीम, मतलब फर्स्ट ड्रीम था। उससे पहले मैंने एक छोटा सा ड्रोन लिया था डॉबी, उसके अंदर DJI मैविक स्पार प्रो भी था, स्पार्क भी था, और क्या मिनी ये सब, मतलब फैंटम 3, 4 ये सब सीरीज़ यूज़ कर चुका हूँ मैं। सो मैविक प्रो को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया था, मतलब मैविक प्रो था मेरे पास, मतलब अच्छी तरह से यूज़ नहीं, एक या दो ही बार फ्लाई किया था। बट इस बार मैंने ऐसा लिया कि मतलब फ्लाई करूँ हमेशा, रखना ही है इस बार, ड्रोन बेचना ही नहीं अपने को, रहने दो, मतलब यूज़ में नहीं आया बट नहीं बेचेंगे, क्योंकि तो बहुत मुश्किल से मिला है, इतनी मेहनत लगी है उस चीज़ के लिए लगी है। सो देखो, बहुत हो गया बात, ड्रोन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये पूरी मेहनत जो है पुनः किसी चीज़ के लिए लगी थी, देखना मुँह दिखाई, कोई भी मुँह दिखाई के लिए कुछ भी पैसा करो ना तो पेटीएम पे डाल, सॉरी इस देख। ओके, सो मज़ा आया तो सिर्फ एक ही चीज़ करना है आपको, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, बस उतना ही आज के लिए, बस इतना ही, क्योंकि मुझे कोई जगह नहीं मिलती ड्रोन फ्लाई करने के, दिस इज़ द बेस्ट। नहीं तो फिर सिटी के बाहर जाना पड़ता है, अगर सिटी के बाहर जाएगा तो या तो बेगम पैग एयरपोर्ट का नो फ्लाइंग जोन आता है, या तो फिर शमशाबाद एयरपोर्ट का नो फ्लाइंग जोन आता है। ये फ्लाइंग जोन इधर फ्लाई कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड हाइट पर, ज़्यादा नहीं, पास में सालार जंग म्यूजियम में, मतलब कुछ गलत नहीं करना है ड्रोन के साथ में। सो वेल, बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, बस बाय बाय, टेक केयर, ऑफिस नेक्स्ट ट्रिप में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट वीडियो।